अल्लाह, तुझे अपने पुत्र के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जन्मों जन्मांतर की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब कुछ भी शेष नहीं। मैया बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो आपकी ममता और विश्वास ने मुझे करवा दिया, अन्यथा मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है माता। ये तो आपका कवच था जो मुझे हर संकट से बचाता रहा, और मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूरी कर पाया। मैंने इस युद्ध को केवल 3 शस्त्रों से जीता है माता, और वो तीनों ही अमोघ अस्त्र है। कौन से 3 शस्त्र का ना? पहला आपका और माता का धैर्य, दूसरा माता का अटल विश्वास, और तीसरा माता की ममता। कान्हा, अवश्य पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य का कर्म किया होगा कि तेरे जैसा फल हमें मिला। तुमने सब कुछ स्वयं किया, सारा संसार उसका साक्षी, लेकिन उसका श्रेय तूने अपने माता पिता को दिया, जिन्होंने तेरी विजय में तेरा कोई योगदान नहीं दिया। बाबा, कछुआ अपने अंडों और बच्चों को कोसों दूर से पालता है, आप लोगों ने वही किया है। और हाँ बाबा, कोई भी संतान बिना अपने माता पिता के आशीर्वाद से कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। मैया बाबा, अब आपका यहाँ से चलने का समय आ गया है। कंस के अंत के साथ अब आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई है, अब चलिए मैया। कान्हा, मेरी एक प्रतिज्ञा अभी शेष। आप कहिए माता, मैं उसे भी पूर्ण कर दूंगा। कौन सी प्रतिज्ञा शेष है देवकी? मैंने कंस से कहा था कि मैं तेरा अंतिम संस्कार अपने पुत्र से करवाऊंगी। कान्हा, तुझे अपने मामा का अंतिम संस्कार करके मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना होगा। मैया, आपकी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, और कंस का अंतिम संस्कार करना मेरा कर्तव्य है। वचन देता हूँ मैं आपको कि मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। चलिए मैया, चलिए बाबा।